सुनो बेटी। हाँ? ये लड़का कहाँ रह गया? इतने घंटे हो गए अभी तक नहीं आया। मुझे कुछ भी नहीं पता बाबा, कल रात भी बहुत लेट हो गए थे। फोन करो उसे। मैंने किया था बाबा, मगर उनका फोन ही बंद आ रहा है। दोबारा फिर फोन करो उसे। दोबारा भी किया था। एक बार और कर लो बेटा, फिर से कर लोगी तो क्या होगा। अल्लाह ला, ठीक है, फिर तुम कुछ करने जा रही हो? कुछ नहीं कर रही, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें शिवान साहब को प्लेट में रखकर दे दिया है और तुम बेवकूफों की तरह उनसे जान छुड़ाना चाहती हो। तुम देखना आज इसका एंड हो जाएगा। मैं कर दूंगी, मैं ही करूंगी। अम्मी जान रुकें तो सही, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ शॉपिंग पे चलूं। मैंने तुम्हें मना किया है ना, मैं जा रही हूँ ना। कभी देखा है कि दूल्हा खुद गया है अपनी शादी की तैयारी के लिए? अरे अम्मी, मैं चले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अम्मी प्लीज ले चले ना। हट जाओ मेरे रास्ते से, अभी जाने तो मुझे शॉपिंग करने के लिए। देखो मेरे बेटे, सुनो, तुम और तुम्हारे भाई जाएंगे जब दूल्हा की खरीदारी होगी, जब। समझ में आई? अभी हटो मेरे सामने से, क्यों खड़े हो? क्या हो रहा है शिवान साहब? तुमने गलत किया था, है ना? तुम और शिमल पागल से हो गए थे, है ना? तुमसे ये नहीं हो पाएगा बेटे। घर वाले तो पहले ही विलदान को पसंद कर चुके हैं, तुम पीछे रह गए। तुम्हारी वाली तो किसी को पसंद नहीं आएगी, पर मेरी वाली आ गई। हम आखिर उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं बेटी? हम उसका इंतजार कर रहे हैं, वो 15-20 मिनट में आ जाएगा, फिर हम चलते हैं। आ गया। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। अरे कहाँ चले गए थे, तुम्हारा इंतजार कर करके मर गए। बाबा देखें, मैं लेकर आ गया हूँ, आप बेफिक्र रहें। बाबा जाने का टाइम है तुम्हारे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जूते लेने गया था मैं। लेने ही क्या जूते, तुम लोगों को देर हो रही होगी, चलो अपना सामान उठाओ जाओ। इसलिए तुम तो अंदर जाओ जल्दी। क्या हो गया? ये लो, उसे किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है, आप फिक्र ना करें। तुम कहाँ रह गए थे बेटा? शिवाल को हम पे शक होने वाला था। बाबा जब आपने मुझे पैसे निकालने का कहा, मैं आपको बेडरूम में ही पैसे देता, मगर मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो कोई जगह पैसे देने की। मगर जब आपने मुझे बुलाया था उस वक्त मैं रास्ते में था, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ मैं क्या कर सकता था बाबा, ये बताओ। उन्होंने कहा शादी से पहले नहीं हो सकता बाबा। क्या कह रहे हो तुम? 3 हफ्ते लगेंगे, सिर्फ 3 हफ्ते लगेंगे उसमें बाबा। चलो पैसे तो मिल जाएंगे, अच्छी बात है, पर ऐसा कैसे हो गया? क्या कह सकते? यहाँ पे नहीं, इसे वहां रख दो और तुम इसे यहीं रख दो, आप भी इसे यहीं रख दें, ठीक है? लाओ जल्दी लाओ। हाँ इधर रख दो। हाँ लाओ, ये लाकर मुझे दो। हाँ जैसा मैंने कहा है, खाना उसी तरह पेश करना मेहमानों को। मरियम ख्याल रखना तुम। आप फिक्र ना करें, कोई कमी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? चलो चलो जल्दी करो। देखो मैंने मना किया था ना, यहाँ ऐसे नहीं करना है, जब तक मैं ना कहूँ कुछ नहीं करना है। हटाओ इसे यहाँ से, हटाओ। पता नहीं क्या क्या कर देते हैं ये लोग, कुछ समझ नहीं आता इन्हें।
ऐसे मत करो जैसे मैंने कहा है वैसे करो। आज तो सबकी नजरें मुझ पे होनी चाहिए। इवेंट मैं निकल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा फिर ठीक है, हम लोग वहीं मिलते हैं। ठीक है शिवान, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जा रहा था, मैं शेव बनाने के लिए जा रहा था बाबा। बहुत अच्छे, जरूर जाओ, मगर तुम्हारे भाई की भी तो शादी है, उसे भी तो लेकर जाओ। भाई? हाँ साथ लेकर जाओ। हाँ वो भाई को भी तो बनवानी होगी, तो फिर ठीक है मैं उन्हें लेकर आता हूँ, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शादी में आ रहे हैं ना? हेलो नाजली, कहाँ हो तुम जान? हाँ हाँ मैं आ रही हूँ अभी, तुम फिकर मत करो मैं लेट नहीं होंगी। ठीक है वो शिवान, क्या हुआ? ये तो टूट गई, हाय अल्लाह, उसकी खानदानी अंगूठी का नग निकल गया। ठीक है ढूंढो उसे, ये लो। अब मैं शिवान से क्या कहूंगी? अभी तुम इसे अपने पास रख लो, बाद में हम बनवा लेंगे। नहीं यार, लेकिन अगर वो मेरी उंगली में अंगूठी नहीं देखेगा तो क्या कहेगा? चलो फिर भी मैं चली जाती हूँ। La 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 la